हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, हेलो पेरेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं कुछ एक अहम ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आज, जिसको बोलते हैं ना क्लियर करना इस समय बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो बच्चे टेंथ में आए हैं, जो बच्चे टेंथ में होते हैं, जो बच्चे नाइन्थ में होते हैं, दोनों के लिए है, नाइन्थ टेंथ वालों के लिए, दोनों के लिए, स्पेशली लेकिन टेंथ वालों के लिए है कि इस समय आपको ऐसा लगता है कि यार सर ये बताइए, हमारा एक सवाल है आपकी तरफ से ही, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ कि सर ये बताइए कि क्या टेंथ में रह के नीट की तैयारी करना चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि टेंथ का कोर्स उतना ज़्यादा है ही नहीं कि आप साल भर टेंथ पढ़ें और अपना टाइम, भाई क्या होता है जब साल भर हम लोग वही कोर्स पढ़ेंगे तो वो छोटा कोर्स होता है, उस छोटे कोर्स को पढ़ने के लिए मात्र 5-6 महीने लगते हैं, अब आप उसको पढ़ने के लिए 12 महीने लगा रहे हैं। सोचिए, इसका मतलब आपने इंजॉयमेंट ज़्यादा किया है, पढ़ाई कम करी है, क्योंकि कम पढ़ाई में 12 महीने तक कहानी जाएगी। और ढंग से पढ़ रहे हैं जिसमें, उसमें भी थोड़ा चिलपिल स्टाइल में अपन पढ़ सकते हैं तो भी आप 6 महीने में कर सकते हैं कवर। लेकिन बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं और पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना, ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोग टेंथ क्लास को यूज़ करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फ्रेशर में ही सिलेक्शन हो जाएगा, फ्रेशर में ही सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, वही डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपकी आंखें खुलेंगी उतना अच्छा। और आंखें खुलती है किससे? जब आपको चीज़ें क्लियर होती है, आपको लाइन ऑफ एक्शन क्लियर होते हैं। तो वही लाइन ऑफ एक्शन क्लियर करना है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पर, कि आप लोग टेंथ में तैयारी कर सकते हैं। जो आपका टेंथ क्लास है वो 6 महीने, 5 महीने, इवन कुछ लोग 4 महीने में भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक डिसेंट वे में बोलूँ तो 6 महीने, 5 से 6 महीने, ठीक है। लेकिन जो बचे हुए 6 मंथ है उसमें आप अपने आगे का कोर्स, जो 11th 12th का कोर्स है, उसको आप कुछ सब, वो तो टीचर्स ही करवाते हैं, तो वो कोर्स को आप इधर लेके आते हैं टेंथ में। क्या कम से कम मैं अपना लोड कम कर लूँ, तो उससे अपना लोड कम हो जाता है। तो यार अपना लोड कम हो जाता है, शेयर हो जाता है लोड, और आगे हमें प्रेशर नहीं आता है। नहीं तो क्या होगा, 10th में 10th पढ़ के गए, आप 11th में आओगे, आपको खूब प्रेशर सा आएगा कि अरे यार ये तो एकदम भारी कोई चीज़ आ गई। लेकिन 10th में ही हमें वो सब देखने की आदत हो जाएगी ना, तो भारी चीज़ भी भारी नहीं लगेगी आपको। तो बस मैं इतनी छोटी सी बात आपको समझाने आया हूँ, बस एक आई ओपनिंग मोमेंट वाली बात है कि अगर आपको ये सब बातें समझ में आएगी तो हमारी आँखें खुलेंगी। और आंखें ही तो खोलना मेन मकसद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, बस उनकी कोई आंखें खोलने वाला होना चाहिए। उनकी अगर आंखें खोल दें अपन, तो वो अपने टैलेंट का भरपूर यूज़ कर सकते हैं, अपने स्किल्स का भरपूर यूज़ कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को आसान बना सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों बस मेरी इस बात पे ध्यान देना और अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लेना कि अपन को टेंथ को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टेंथ में अपन को टेंथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आपको समय मिलेगा बहुत सारा, जिसमें आप कुछ 11th या कुछ 12th के टॉपिक्स सेट करेंगे। और इवन मैं तो एक सजेशन और देता हूँ कि आपने जो 10th के टॉपिक्स पढ़े, एक्चुअल में होता क्या है, जो आपने 9th 10th ये सब पढ़ा है ना 8th में, ये सब 11th 12th में आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आते हैं और इलेबरेट होके आते हैं, डेप्थ में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करिए कि 10th के उन्हीं टॉपिक को पहले डेप्थ में पढ़ लें, तो आप एक तरह से आगे की तैयारी ही कर रहे हैं। जब वो डेप्थ में हो जाएं जो आपके 10th के टॉपिक्स हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो जाएं, भाई स्कूल लेवल पे तो मैंने कहा ना 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हो जाएंगे वो तैयार, तो आपका एक लोड शेयर हो जाएगा, ठीक है। और आप इसके बाद क्या करना, अब आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम और बचेगा उसमें दूसरे टॉपिक्स आप उठाना, वो आपके टीचर्स आपको सजेस्ट भी कर देंगे या मैं आपको आगे की वीडियोस में सजेस्ट कर दूंगा कि 10th में और कौन कौन से टॉपिक उठाए जा सकते हैं जो 10th के ही टॉपिक से थोड़े से लिंक्ड होते हैं, ठीक है बच्चों, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर पहले मेरी आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही रही होंगी क्योंकि इनमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हाँ लेकिन एक ऐसी कुछ बातें हैं ये जो अगर क्लियर हो जाए तो अपन जो है आगे अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कुछ लाइन ऑफ एक्शन क्लियर करने आया था बच्चों। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि यार 9th 10th वालों में बहुत फ्रेश माइंड होता है, और उस फ्रेश माइंड के साथ अपन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें भी पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेच्योरिटी तो बढ़ती है, एक्सपीरियंस तो बढ़ता है, लेकिन दिमाग नहीं बढ़ता।
भाई दिमाग थोड़ी एज के साथ बढ़ेगा। तो दिमाग जो है बच्चों में ही बहुत ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? जैसे हम टीचर्स होते हैं, मान लो अब हम टीचर्स के, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो यार मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरा दिमाग हो गया ठस, क्या केमिस्ट्री समझ में आएगी? क्योंकि मैं उसी दायरे में बहुत सालों से हूँ। ऐसे ही कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है तो वो फिजिक्स ही समझ में आएगी उसको। लेकिन तुम लोग बच्चों सब कुछ पढ़ते हो यार, फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री, मल्टी टैलेंटेड हो तुम लोग, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या पूरा बायोलॉजी एक साथ आ जाता है वो मिलके बॉटनी जू। तो मतलब बता रहा हूँ कि यार आप देखो कि आप हो मल्टीटास्कर, आपका दिमाग सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो क्यों हम रोक रहे हैं भाई? हम उसमें डालें ना चीज़ें जिससे कि वो बढ़िया तरीके से हमारा आगे का काम भी हो जाए, फ्रेशर में ही सिलेक्शन हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी आपकी। यार और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? तो इसीलिए बच्चों मेरा आपको सजेशन है, अभी से आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।